एसएंड संचालक की बेरहमी से की गई हत्या। जादू टोने के शक के कारण हुआ विवाद, खूनी रंजिश में बदला। आरोपी एवं मृतक दोनों एक ही क्षेत्र में सर्विस सेंटर का संचालन करते हैं। सिटी पुलिस ने 12 घंटे में ही हत्या के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। गंज व सौदा की नया बस स्टैंड पर सर्विस सेंटर का संचालन करने वाले यूसुफ खान और बबलू भाई का झगड़ा भूरा गौर के साथ हो गया था। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्से में भूरा ने तलवार से बबलू पर कई बार कर दिए, जिससे बबलू खान बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने यूसुफ खाना और बबलू को मृत घोषित कर दिया। चूंकि मामला दो संप्रदाय से जुड़े व्यक्तियों का था, इसी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। रात्रि 3 बजे पुलिस को मिली सूचना के आधार पर तिरंगा चौक के पास SI शिवेंद्र पाठक ने अपनी टीम के साथ हत्या के आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से खून से लथपथ एक मोबाइल जब्त किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्या जादू टोने को लेकर की गई है, जिसमें भूरा गौर को शक था कि पिछले कई दिनों से बबलू ने उसके परिवार के सदस्य पर काला जादू कर रखा है, जिससे उसके परिवार के सदस्य पर ऊपरी बाधा चल रही है, जिससे भूरा नाराज चल रहा था और वह पिछले कई दिनों से बदला लेने की फिराक में था। पुलिस का कहना है कि पैसों के लेन देन के कारण हत्या की गई है। वह घटना में संलिप्त एक आरोपी अभी फरार है। SDOP भारत भूषण शर्मा के मार्गदर्शन एवं सिटी थाना प्रभारी सुमित देसाई के निर्देशन में SI शिवेंद्र पाठक द्वारा 12 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्यवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। आम नागरिकों का कहना है कि अगर पुलिस इसी तत्परता से अपना काम करती रहे तो अपराधियों के हौसले पस्त होने में देर नहीं लगेगी। अरे साहू इधर देखो, इधर इधर पेड़ों में देखो, अंदर तो नहीं है। अंदर चढ़ के देखो, ऊपर चढ़ के देखो, उस पर ऊपर है। देखो तो इतना तो याद होगा कहाँ फेंका था यार। तो नहीं तो डायरेक्शन तो मालूम होगा, इधर फेंका इधर फेंका। घटना है बस स्टैंड के सामने एक मोटर गैरेज है, जिसमें गाड़ियाँ धुलाई और रिपेयरिंग का काम भी होता है। ये बबलू खान का है और बबलू के ऊपर चाकू से हमला करके और उसको गंभीर रूप में घायल कर दिया गया था। उसके यहाँ काम करने वाले दो लड़के उसको लेकर के अस्पताल गए थे। अस्पताल में जब पहुँचे तो बबलू की मृत्यु हो चुकी थी। इस पर थाना गंज कस्बा शहर के अंदर 302 के अंतर्गत दो आरोपी के ऊपर कब्जा किया गया है। एक आरोपी की इसमें शिनाख्त भूरा गौड़ के रूप में हुई है और दूसरे आरोपी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पहुंच करके जो घायल है उसको हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसकी तत्काल डेथ हो गई। इसमें 324 के अंतर्गत जीवित है, आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी इसमें एक्चुअली नाम क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे ही क्लियर होगा उसके बारे में उसकी अरेस्टिंग की जाएगी। सर, आरोपियों ने कुछ बताया कि घटना के पीछे क्या कारण था, क्यों उन्होंने? जो मेन आरोपी पकड़ा गया है पूरा, उसका ये कहना है कि उसने कुछ 2.5 लाख रुपए मृतक को दिए थे, जबकि मृतक और उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के लोगों का कहना है कि मृतक की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, उसको किसी प्रकार की कोई पैसे की कोई आवश्यकता कभी पड़ती नहीं थी, क्योंकि इनफैक्ट वो लोगों की खुद स्वयं सहायता किया करता था पैसे। तो ये रीज़न उनके परिवार के लोगों ने डिनाई किया है। बाकी दूसरा रीज़न ये भी था कि मृतक का जो गैरेज था वो काफ़ी अच्छा चलता था और आरोपी का गैरेज नहीं चलता था। आरोपी पहले मृतक के गैरेज में ही काम करता था, इसी बिजनेस राइवलरी के कारण संभवतः ये हत्या हुई है। सर, आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुआ? आरोपी को अभी वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंजवासादा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।